इस भक्ति वाले मार्ग में कौन आगे है कौन पीछे है इसका पैमाना क्या है। जिसके भीतर जितनी अधिक श्रद्धा है वो उतना आगे है और जिसके भीतर जितनी कम श्रद्धा है वो उतना पीछे है, यही पैमाना है। श्रद्धा माने महत्व बुद्धि, नाम के प्रति, गुरु के प्रति, धाम के प्रति, ग्रंथ के प्रति, लीला के प्रति महत्व बुद्धि। बिना महत्व बुद्धि के माने बिना श्रद्धा के तो इस भक्ति वाले विद्यालय में दाखिला ही नहीं है। हम धार्मिक बन सकते हैं, चूंकि कई बार व्यक्ति धार्मिक काम बिना श्रद्धा के भी करता है, सामाजिकता के लिए, सम्मान के लिए, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे समाज में बहुत सम्मान मिलेगा, या किसी प्राप्ति के लिए, कोई बता दे कि वहां जाने से झटपट मुराद पूरी हो जाती है तो हम भाग खड़े होंगे, तो श्रद्धा वृद्धा नहीं है, बस कुछ पाने की लालसा है, सामाजिकता है, पुण्य प्राप्ति की, नाम प्राप्ति की जो इच्छा है। तो बिना श्रद्धा के लोग धार्मिक तो हो जाते हैं पर बिना श्रद्धा के भक्त नहीं हुआ जा सकता, भक्ति की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। जगदम्बा पार्वती साक्षात श्रद्धा है। कल तो जगदम्बा पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को कहा था, क्या कहा था, उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहनीः। विकसित यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां नहीं चलती हठो में सत्यमेतद्ब्रवीमि। क्या कहा था कल पार्वती जी ने, भले सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लग जाए, भले सुमेरु पर्वत विचलित हो जाए, भले अग्नि ताप देना बंद कर दे और भले पर्वतों के ऊपर कमल खिलने लग जाएं, तो भी पार्वती शिव चरणों के प्रति श्रद्धा का त्याग नहीं करेगी। आह, ऐसी जगदम्बा की श्रद्धा है। ये वैष्णवों के लिए नवरात्र का स्वरूप है, नवदुर्गा का स्वरूप है। उनमें पहले ही दिन शैलपुत्री की पूजा है, प्रथमम शैलपुत्री च। ये सब स्वरूप घटित हुए थे, विवाह उत्सव मनाना था तो ये बातें कहने से रह गईं। अभी स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उस समय शैलपुत्री हैं, पार्वती जी हैं, और जब वह पार्वती, वह श्रद्धा भजन करने आई कैलाश पर्वत की तरहटी में, उस हिमालय की दिव्य कंदराओं में जब कठिन तप करने लगी, तो देवी का कौन स्वरूप प्रकट हो गया, दूसरा स्वरूप, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। द्वितीय पार्वती जी का स्वरूप हो गया ब्रह्मचारिणी। और आपने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप देखा होगा, उसमें मां किसी वाहन पे नहीं है, श्वेत वस्त्र पहरे हैं, एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में जप माला है। तब दूसरा नवरात्र, दूसरे नवरात्र में ब्रह्मचारिणी की पूजा और प्रेम प्राप्ति के स्तर में रूप गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा के बाद साधु संग। उनको नारद जी जैसे साधु का संग प्राप्त हुआ था। और फिर दूसरी भक्ति, पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कौन है, कीर्तन। तब ब्रह्मचारिणी के रूप में जगदम्बा पार्वती जी ने जो नाम जप किया था, जो नाम कीर्तन किया था, जो सेवा की थी,
जो तप किया था, जो ब्रह्ममय आचरण किया था। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ब्रह्मचर्य से तो है ही, पर ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जब वैष्णव का आचरण ब्रह्ममय हो, हम लोगों का हर आचरण भक्तिमय हो। हम एक घंटा भक्त हैं तो 23 घंटे क्या हैं? हम 2 घंटा भक्त हैं, बाकी समय क्या है? ये इतनी देर में भक्त हूं, इतनी देर में अभक्त हूं, ऐसे नहीं चलता। जैसे कोई स्त्री किसी की पत्नी होती है तो वो पूरे ही समय पत्नी रहती है ना। कोई किसी का पति होता है तो वो ये कहता है कि दिन में 4 घंटे में तेरा पति हूं, ऐसा तो नहीं। कोई किसी का पुत्र होता है तो सदा के लिए ही होता है ना, कि 6 महीने तुम्हारा बेटा हूं, 6 महीने इसका, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही जब हम भक्त होंगे तो पूरे ही होंगे, ये थोड़ा थोड़ा वाला काम नहीं होता। ये तो मन को समझाना है। और भक्ति का अर्थ केवल इतना भी नहीं है कि हम हर समय माला लेके बैठे रहें। बैठ पाए तो बड़े भाग हैं, पर हर समय हम मंदिर में बैठ पाएंगे, हर समय हम माला लेके बैठ पाएंगे, या हर समय हम कथा सुन पाएंगे, ये शायद संभव नहीं है। सबके साथ शरीर के कर्तव्य जुड़े ही हैं, शरीर के धर्म जुड़े ही हैं, लेकिन ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, जिसकी हर क्रिया ब्रह्ममय है, जो एक क्षण भी हरि गुरु को विस्मृत किए बिना अपने आचरण में लगा है, हर क्रिया में, जिसको भगवान की स्मृति है, वह 24 घंटे का साधक है। और जिसको अखंड भगवत स्मृति होने लग जाए, उससे फिर ये नहीं पूछा जाता कि तुमने माला कितनी की, फिर तुमने माला कितनी देर की, फिर उससे ये भी नहीं पूछा जाता कि तुम वृंदावन में हो कि वृंदावन से बाहर हो। फिर उसके लिए नियम की अपेक्षा नहीं रहती, नियम पालन करना चाहिए पर अपेक्षा नहीं रहती। ब्रह्मचारिणी, जब हमारा जीवन ब्रह्ममय होने लगे, कृष्णमय होने लगे, हरिमय होने लगे, ये हरिमय कैसे होगा? जब भगवत स्मृति करते हुए जगत के सब काम होंगे। हम यदि अपनी 1 घंटे की पूजा तक भगवान को बांधे रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। 1 घंटे भगवान के हैं, 23 घंटे किसके हैं? नहीं भैया, हम हर समय प्रभु के ही हैं। ये कहेंगे 1 घंटा भक्ति का है और ये घंटा सारा समय ही भगवान का है, तो फिर मैं दुकान किस समय जाऊं, मैं ऑफिस किस समय जाऊं, मैं गृहस्थ का काम कब करूं? समय तो सारा ही प्रभु का है। अब मैं प्रभु का स्मरण करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा से व्यापार करूंगा। अब मैं उनका स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा से उन्हीं के परिवार का पालन करने के लिए गृहस्थ का कार्य करूंगा, नौकरी करूंगा। यह है ब्रह्मचारिणी। मैं नाम जप करते हुए काम करने का प्रयास करूंगा। मैं सबके भीतर भगवान को देखने का प्रयास करूंगा, अपने घर परिवार के जनों के भीतर मैं सबके भीतर भगवान को देखने का अभ्यास करूंगा। मैं हर समय यह अनुभव करने का प्रयास करूंगा, मेरे साथ में निरंतर गुरु और गोविंद निरंतर मेरे साथ में हैं। एक क्षण के लिए मैं गुरु गोविंद से अलग नहीं हूं। यह ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। यदि हम जीवन में आचरण कर सके तो हमने दूसरे नवरात्र की पूजा कर ली। जगदम्बा पार्वती जी ने सारे स्तर पार करके दिखाए हैं। शिव महापुराण बहुत गहरे हैं। जगदम्बा सारे स्तरों को पार करती आगे बढ़ती हैं। ब्रह्मचारिणी इस रूप में कीर्तन भक्ति हो रही है।
कीर्तन भक्ति का अर्थ कीर्तन तो है ही, कीर्तन भक्ति माने नाम जप, नाम जप, नाम जपिए। ये युग नाम जप का है, नाम के बिना काम नहीं चलेगा। यही बात समझाने के लिए, इस नाम की महिमा को इस कलयुग में प्रकट करने के लिए, अयाचित रूप से कृष्ण नाम का दान करने के लिए, स्वयं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य बन के इस कलयुग में आए हैं हमको आपको कीर्तन भक्ति सिखाने को, समझाने को। कीर्तन भक्ति, नाम जप भक्ति, ये दूसरी भक्ति है। नवदुर्गा में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, और प्रेम प्राप्ति में दूसरा स्तर साधु संग है। फिर तृतीयम, तृतीयम चंद्र घंटे, फिर तीसरा नवरात्र आया है। माने पार्वती जी उस प्रेम प्राप्ति के तीसरे स्तर पर पहुंची हैं। उनको तो सारे स्तर सिद्ध हैं, वो तो हमारे लिए भवानी कृपा कर रही है, उनको क्या करना बाकी है, वो तो नित्य शक्ति है भगवान की। तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा का स्वरूप आपने देखा हो तो, उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का चिन्ह है और उनके हस्त कमल में घंटा है, मस्तक पर घंटे का चिन्ह भी है। ये तृतीय स्वरूप है। तृतीय भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण। और प्रेम प्राप्ति का तीसरा स्तर क्या है? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया, भजन क्रिया करनी होगी। और जब भजन क्रिया होगी, माने अभी भी तो क्रिया हम लोग कर ही रहे हैं, माला करते ही हैं, नाम जप करते ही हैं, पाठ करते ही हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये भजन क्रिया कब बनेगी? जब ये भजन, ये साधना, ये नाम जप, ये कीर्तन हमारी क्रिया से जुड़ जाएगा। अभी हम अपने दैनिक जीवन को और साधना को दो करके मानते हैं। अभी ये भजन हमारी दिनचर्या नहीं है, हम लोग भोजन के बिना नहीं रह पाते ना, समय पर भोजन न मिले मन के अनुरूप तो बेचैन हो जाएंगे ना। अभी पानी पीने को न मिले, हमें प्यास लग रही हो तो कुछ नहीं भाएगा ना हमको, सबसे पहले जल चाहिए, बेचैनी हो जाएगी। किसी दिन रात को नींद कम पूरी हो तो कोई भी काम करते हैं झोंका आएगा बार बार, सिर दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, नींद पूरी नहीं हो रही। तो ये नींद वाली क्रिया, भोजन वाली क्रिया, पानी वाली क्रिया अत्यंत रुचिपूर्वक हो रही है, लेकिन भजन क्रिया के प्रति अभी कितनी आसक्ति है, कहां है? भजन हुआ तो ठीक, न हुआ तो ठीक। नाम जप के बिना कहां मन के भीतर व्याकुलता है? वृंदावन के प्रति मन में कहां व्याकुलता है? कीर्तन के प्रति मन में कहां व्याकुलता है? कथा श्रवण के प्रति मन में कहां व्याकुलता है? यह चंद्र घंटा का स्वरूप है। जब पार्वती जी प्रारंभ में नमः शिवाय करने बैठी तो भी बहुत सुंदर था, लेकिन चंद्र घंटा के स्वरूप में तो उनसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि अब वो भक्ति स्मरण हो गई। तीसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जैसे हमको रात दिन कोई ना कोई चीज स्मरण में बनी रहती है, बनी रहती है ना। कई भाई बहन पूछते हैं कि महाराज कथा सुनते हुए माला कैसे करें? माला करेंगे तो कथा छूट जाएगी, और कथा सुनेंगे तो माला नहीं होगी। अब अभ्यास नहीं है इसलिए ऐसा होता है, वास्तव में जब अभ्यास हो जाता है तो कथा भी सुन पाएंगे और माला भी कर पाएंगे।
कैसे कर पाएंगे? जैसे गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुन लेते हैं, वहां नहीं कहते कि दो काम एक साथ नहीं होंगे, मोबाइल सुन लूं कि गाड़ी चलाऊं, लोग मोबाइल पर बात करते जाते हैं, गाड़ी भी बढ़िया चला लेते हैं। लेकिन कौन? जिसको गाड़ी चलाने का अभ्यास हो गया है। और जो बेचारा आज गाड़ी सीखने पहले दिन गया है, वो कान पर मोबाइल और लगा ले तो सीख पाएगा क्या? नहीं। जो तेज गाड़ी चलाते हुए प्लानिंग भी कर रहा है, मोबाइल भी सुन रहा है, बात भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, वो सिद्ध हस्त हो गया है इस काम में। हम लोग भी कभी ऐसा जीवन में कर पाएंगे? जब श्रवण भक्ति करते हुए नाम जब वाली भक्ति होगी, और जब ये श्रवण और कीर्तन भक्ति ठीक रूप में होंगी तो क्या होगा? तो भजन क्रिया होगी। ये तीसरा स्तर है प्रेम प्राप्ति का, ये तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति, ये दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। ये चंद्र घंटा की आकृति वो सब ठीक है, ये घंटे की आकृति क्यों है? ऐसा समझिए कि दिल के भीतर एक घंटी तो भगवान ने लगाई है ना, श्री राधेश। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। चंद्र घंटे थी तो एक घंटी तो भगवान ने हम सबके दिल में लगा रखी है, हर समय धड़कन चलती है ना। ऐसा पंप लगाया प्रभु ने, ये कभी खराब नहीं होता, कभी रुकता नहीं। दुनिया में कोई ऐसा पंप होगा जो 70 साल 75 साल 80 साल 90 साल बिना रुके चले? नहीं होगा। ये भगवान ऐसा पंप लगाए, हर समय पंपिंग करता है, रुकता बस एक ही बार है, और जब रुक जाता है तो फिर नहीं चलता। चंद्र घंटे थी, जैसे हमारा दिल धड़के, इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग श्वास लेने के लिए प्रयास करते हैं क्या? अरे भगवान ने ये सांस लेने का काम इंसान पे नहीं छोड़ा ने। कलयुग में आदमी इतना बिजी है कि यदि सांस लेना उसके ऊपर छोड़ा होता तो सांस ही लेना भूल जाता, अब भूल जाता तो भूल ही जाता। तो सांस लेने का काम हमारे पर नहीं है, हम चाहें न चाहें चल रही है सांस, चल रही है। तो जैसे हम सांस लेने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, हमारा दिल धड़के इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, तीसरी अवस्था पे वो चंद्र घंटा की कृपा, वो स्मरण भक्ति बनने लग जाती है। जैसे हर समय दिल धड़कता है, जैसे हर समय श्वास प्रश्वास आती जाती है, ऐसे सब समय साधक की स्मरण भक्ति बनी रहती है। भोर
से लेकर सैन पर्यंत श्यामा श्याम की दिव्य लीला से चित्त हटेगा नहीं। हम लोग जैसे सोचा करते हैं वो क्या कर रहा होगा, हमारी बेटी अपने ससुराल में क्या कर रही होगी, बेटा क्या कर रहा होगा, फला रिश्तेदार क्या कर रहे होंगे, उनको फोन मिला के पूछे भैया क्या हाल है, क्या चल रहा है। संसार में हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन एक प्रेमी के मन में निरंतर यही चलता रहता है कि इस समय नित्य गोलोक में क्या चल रहा होगा, इस समय नित्य वृंदावन में क्या चल रहा है, कौन लीला हो रही है। बस ऐसी स्थिति बनने लगे तो माने अब चंद्र घंटा ने कर दी कृपा। ये चंद्र घंटा का तीसरा स्वरूप है, जब देवी पार्वती का अखंड स्मरण हुआ था, स्मरण भक्ति ये भजन क्रिया है रूप गोस्वामी जी के शब्दों में। और फिर चौथी देवी कौन है, पार्वती जी के चतुर्थ इस अवस्था क्या है, कुष्मांडेति चतुर्थकम्। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ये कुष्मांडा देवी कौन है आप पढ़िएगा। कुष्मांडा उन देवी को कहते हैं जो अंडपिंड ब्रह्मांड का सृजन करती हैं। हमने प्रारंभ में सुना था शक्ति के अवतरण की कथा में, सती जी के अवतरण की कथा में ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की थी तो कहा था महेशानी नमस्तुभ्यम सनातनी जगदम्बिके, हे जगदम्बा आप सृजन शक्ति हो, आप पालन शक्ति हो, आप संहार शक्ति हो, जब तक आप अवतार नहीं लोगी मैं सृजन में भी सफल नहीं होऊंगा और शीर्षाई विष्णु पालन में सफल नहीं होंगे, सदाशिव संहार वाली लीला में सफल नहीं होंगे, आप अवतरित हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आप प्रकट हो, यह कुष्मांडा का स्वरूप है। चौथी दुर्गा कुष्मांडा है और चौथी भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति, पाद सेवन भक्ति माने शरीर के द्वारा की जाने वाली जो भी भक्ति है, साधनों के द्वारा की जाने वाली जो भी भक्ति है, वस्तु से की जाने वाली, देह से की जाने वाली जो भी भक्ति है, यह पाद सेवन भक्ति है। केवल चरण दबाना पाद सेवन नहीं है, ठाकुर जी के रसोई के बर्तन मांजना भी पाद सेवन है, तुलसी दल उतारना भी पाद सेवन है, ठाकुर जी के लिए चंदन घिसना भी पाद सेवन है, मंदिर में पोचा लगाना भी पाद सेवन है, ठाकुर जी के श्रृंगार पोशाक सिद्ध करना भी पाद सेवन है। ये पाद सेवन भक्ति चौथी है और देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा का है। इस रूप में मां अंड पिंड का सृजन करती है। ये ब्रह्मांड तो वो सृजन करती है, उसकी लीला है, लेकिन इस चौथी दुर्गा की कृपा से साधक के भीतर एक ऐसे पिंड का सृजन होता है जिसके द्वारा अद्भुत रूप में भगवत सेवा होती है। फिर बिना साधन के सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। आप देखेंगे कई बार अगर अनुभव किया हो, कोई बहुत बड़ा गायक जिसने जीवन के 40 साल 50 साल संगीत की साधना में लगाए हो, ऐसा कोई संगीत का महान जानकार कोई गायन करे, समाधि नहीं लगेगी। और कोई साधु जिसे संगीत का ज्ञान नहीं वो कीर्तन करे, समाधि लग जाएगी। कारण क्या है, अब कुष्मांडा ने उसके भीतर एक ऐसे पिंड का सृजन कर दिया है जो पिंड पाद सेवन भक्ति के लिए है। अब वो प्रभु को जैसे लाल लड़ाएंगे, वो श्रृंगार करेंगे तो अनोखा होगा, वो गाएंगे तो अनोखा होगा, वो कथा कहेंगे तो अनोखा, उनकी उनकी हर सेवा दिव्य होगी, अद्वितीय होगी। इसको पाद सेवन भक्ति कहते हैं। ये कुष्मांडा की कृपा है।
जीवन में ये हो तो समझे मैंने चौथा नवरात्र कर लिया। बाकी कूटू की पकौड़ी खा के तो दुनिया रखती है, अच्छा है, कोई समस्या नहीं करें। लेकिन ये चौथे नवरात्र की वास्तविक पूर्ति तब है जब देह के भीतर उस पिंड का सृजन होगा, जो पिंड, पिंड माने देह, जो पिंड, जो देह भगवत सेवा में काम आएगा। आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो प्रतिदिन 3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं। कितनी बार? दिन में 3 बार। सोचिए 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, दिन में 3 बार परिक्रमा दे लें, और हो रही है। हमारे गुरुदेव भगवान दिन में 22.5 घंटा भजन किए, कैसे संभव था? 24 घंटा होते हैं, कोई सोएगा भी, भोजन भी करेगा, शरीर की क्रियाएं भी, 22.5 घंटा संपूर्ण जीवन, कैसे संभव हुआ होगा? उस पिंड का सृजन हो जाएगा, वो रोम रोम से पाद सेवन भक्ति होगी। फिर तो चौथा नवरात्र हो गया, प्रेम के क्रम में देख के तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति। बिना शरीर से सेवा किए बिना बड़े से बड़ा दुर्भाग्य टल जाता है अगर देह से सेवा बने तो। नरसिंह जी का चरित्र आप सुनते हैं, नरसिंह जी गूंगे बहरे पैदा हुए थे, उन्होंने और उनकी दादी ने कौन साधन किया था बताइए? आपको याद होगा नरसिंह जी का चरित्र, अनेकों बार टीवी चैनल पर भी प्रसारण हुआ है। अरे हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में नरसिंह जी की दादी और स्वयं नरसिंह जी 1 बरस तक झाड़ू पोछा किए ना, तो क्या हो गया? जो जन्म से गूंगे और बहरे थे, शिव की कृपा से वाणी खुल गई, और जब शिव ने वाणी दी तो मुख से क्या निकला? राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। जो नरसिंह गूंगे और बहरे थे न सुना हो तो सुनिएगा, अद्भुत चरित्र है नरसिंह जी का, हृदय के भीतर कृष्ण प्रेम की बाढ़ ला दे ऐसा चरित्र है। लेकिन उन नरसी को जीवन में प्रथम कृपा किसकी मिली? शिव की कृपा मिली, और शिव जब वाणी दिए तो कैसी वाणी दिए? फिर जीवन बीत गया नरसी जी का, राधा कृष्ण का नाम मुख से छूटा नहीं। ये अनर्थ निवृत्ति है, कोई अनर्थ होगा ना तभी तो गूंगे बहरे थे। हमारे शरीर में जो कोई भी रोग है, ये हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के किसी न किसी पाप का परिणाम है। तो अनर्थ हमने किए होंगे तो उसका हम फल भी भोगेंगे, लेकिन ये कुष्मांडा की कृपा, ये चौथे स्तर की भक्ति, ये पाद सेवन वाली भक्ति जीव के अनर्थों को काटने लग जाती है।